राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे इस कृष्ण दीवानी चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब नवरात्रे आने वाले हैं तो सब लोग इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार की सेवाएं देते हैं। तो अब बात आती है लड्डू गोपाल की। तो जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो वो नवरात्रों में माता रानी के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले जैसे हम माता रानी को पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से स्नान कराएंगे, उसी तरह हम अपने लड्डू गोपाल को भी पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। उनका बहुत ही सुंदर श्रृंगार करेंगे। तो जैसे कि सबको पता है कि 9 दिन की नवरात्रि होती है, तो माता रानी को 9 दिन अलग अलग कलर की ही पोशाक पहनाई जाती है, वैसे ही हमें लड्डू गोपाल को भी इन 9 दिनों में अलग अलग कलर की ही पोशाक पहनानी है। और अगर आपके पास राधा रानी है तो आप उनको भी 9 दिनों में अलग अलग कलर की ही पोशाक पहनाएं, उनका भी पंचामृत से स्नान कराएं और सुंदर सा श्रृंगार करें। डेली पंचामृत से स्नान ना करा सके तो कच्चे दूध से या फिर सिंपल जल में गंगा जल डालकर भी आप स्नान करा सकते हैं, पर नवरात्रि के पहले दिन पंचामृत से ही स्नान कराना जरूर चाहिए। जैसे कि हम लड्डू गोपाल को हर फेस्टिवल पर नई नई ड्रेस पहनाते हैं और कई ड्रेस बहुत ही हैवी होती है तो कभी कभी ही पहनाई जाती है, सालों साल वो अंदर ही रखी रहती है, तो आप इन 9 दिनों में वो अलग अलग कलर की ड्रेस भी पहना सकते हैं। इस तरह से उन ड्रेस का अच्छे से यूज़ भी हो जाता है तो आप वो ड्रेस भी पहना सकते हैं। तो आप सारी वो ड्रेस निकाल लें और डेली एक एक करके वो पहनाएं, और जो हैवी ड्रेस होती है ना उनको धोया नहीं जाता, तो आप उनको गंगा जल से शुद्ध करके रख लें और डेली अपने लड्डू गोपाल को पहनाएं। ये सबसे अच्छा टाइम होता है उन सब ड्रेस को यूज़ करने के लिए। सब तैयारी आप एक दिन पहले ही कर लीजिए और राधा रानी की सेवा भी आप इसी तरह से करें। तो पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल को सिंपल पानी से स्नान कराएंगे और एक सॉफ्ट टॉवल से पोंछ देंगे। तो यहाँ मैंने अपने लड्डू गोपाल का अच्छे से स्नान करा दिया है, अब उनको एक अच्छी सी सुंदर सी पोशाक पहनाएंगे। मैंने यहाँ लड्डू गोपाल को रेड कलर की ड्रेस पहनाई है, ये बहुत ही हैवी ड्रेस है। ये ड्रेस मैं अपने लड्डू गोपाल को फेस्टिवल पे ही पहनाती हूँ। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है और हमारे लड्डू गोपाल को ये ड्रेस बहुत ही सुंदर लगती है। इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर ज्वेलरी पहनाऊँगी, माला पहनाऊँगी, मुकुट पहनाऊँगी और उनका बहुत सुंदर श्रृंगार करूँगी। सारा श्रृंगार करने के बाद हम लड्डू गोपाल को इत्र लगा देंगे। इत्र लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है और इत्र हमारे लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय होता है। अगर आप डेली पंचामृत से स्नान ना करा पाए तो किसी दिन आप चंदन से स्नान करा दें, किसी दिन आप कच्चे दूध से स्नान कराएं और किसी दिन आप सादे जल में गंगा जल डालकर भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पहले दिन आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से ही स्नान कराएं। अगर आपके पास राधा रानी है या फिर राधा कृष्ण का युगल जोड़ा है तो आप उनकी भी सेवा इसी तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, वो कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए कितने खुश लग रहे हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद एक अलग ही चमक आ जाती है हमारे लड्डू गोपाल में, तो आप भी पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। इसके बाद हम दीपक जलाएंगे। आप चाहो तो आप तिल के तेल का या फिर गाय के घी का भी दीपक जला सकते हैं। वैसे तो नवरात्रों में अगर गाय के घी का दीपक जलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। गाय के घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपक जलाने के बाद हम ठाकुर जी को चंदन का तिलक लगाएंगे। इसके बाद माता रानी को रोली का या फिर सिंदूर का तिलक लगाएंगे और सब भगवान को हम तिलक करेंगे और राधा रानी को भी हम रोली का तिलक लगाएंगे और इसके साथ हम गौ माता को भी तिलक करेंगे और धूप दीप दिखाएंगे और फूल समर्पित करेंगे। अगर आपका मंदिर बड़ा है तो आप माता रानी के साथ ही लड्डू गोपाल का आसन लगा सकते हैं, लेकिन अगर जगह कम है तो आप माता रानी की चौकी अलग से लगा लें, क्योंकि हमें रोज़ की तरह लड्डू गोपाल को सुलाना भी होता है और जगाना भी होता है, जिससे कि हमारी माता रानी की चौकी हिलेगी। तो इन दिनों में चौकी को हिलाना नहीं होता है, इसलिए आप लड्डू गोपाल का आसन अलग से लगाएं। तो अब इसके बाद हम लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। तो देखिए माता रानी को जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल नहीं रखा जाता, तो इसलिए हम लड्डू गोपाल को जो भोग लगाएंगे वो हम अलग से रखेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल को बिना तुलसी के भोग नहीं लगाया जाता।
इसलिए हम लड्डू गोपाल का भोग अलग से रखेंगे। तो भोग में आप ड्राई फ्रूट्स, माखन मिश्री या फिर फल का भोग भी लगा सकते हैं। और जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं वो भगवान को फल का या फिर कुट्टू के आटे के पकोड़े या फिर व्रत वाले चावल का ही भोग लगाकर खुद प्रसाद पाएं। और जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो भगवान को अन्न का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि व्रत तो हमारा होता है, भगवान का व्रत नहीं होता, वो तो भगवान है। और भोग के साथ जल जरूर रखें, जल में भी तुलसी दल जरूर डालें। और जैसे हम डेली लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उन्हें सुलाते हैं, सुबह उठाते हैं, वैसे ही सेवा हमें करनी होती है। तो बड़े ही साधारण तरीके से आप इस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कर सकते हैं। कोई भी ऐसी विशेष सेवा नहीं होती है, जैसे आप डेली सेवा करते हैं वैसे ही सेवा देनी होती है। और इन दिनों लड्डू गोपाल के साथ भजन कीर्तन करें, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल और माता रानी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं और उनके साथ नवरात्रि मना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज हमारे लड्डू गोपाल कितने खुश हैं। तो आपको हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।